बजट पर होगी सूरत के व्यापारियों की नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में कुछ ही दिनों में आम बजट पेश करेंगी। इस बजट को लेकर सूरत के कपड़ा कारोबारी को काफी अपेक्षाएं हैं। जीएसटी के हर दिन बदलते नियमों व नोटिफिकेशनों के आधार पर सूरत का कपड़ा उद्योग दिन प्रतिदिन उत्पादन कम होने से बेपटरी हो चुके कपड़ा उद्योग को गति देने के लिए वित्त मंत्री को जीएसटी व आयकर नियमों में सरलीकरण करके कपड़ा उद्योग को पटरी पर लाना होगा। अब देखना होगा कि सूरत के व्यापारियों की अपेक्षाओं पर वित्त मंत्री जो बजट पेश करेंगी उस पर कितना खरा उतरता है। सूरत का कपड़ा उद्योग जीएसटी व आयकर के सरलीकरण के लिए जिन मांगों को लेकर डिमांड कर रहा है उनमें आयकर छूट सीमा 5 लाख व टैक्स स्लैब को 4 भागों में ही रखा जाए, वही कपड़े पर लगने वाले जीएसटी की दरों में कोई फेरबदल ना की जाए तथा सूरत कपड़ा उद्योग को एक नई दिशा देकर इसे गारमेंट हब का रूप दिया जाए। वह साथ ही 94H के अंतर्गत दलाली की लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 50,000, वह जीएसटी के 18% से घटाकर 5% की जाए, वह 80C डिडक्शन की लिमिट को 1.50 लाख से 2.50 लाख, हाल ही में लागू हुआ TCS के प्रावधान को वापसी लेने की मांग की जा रही है। सूरत के कपड़ा व्यापारियों को GST से भी काफी परेशानियां हैं, लेकिन सरकार ने परेशानियों को समझने के बजाय उसे और नियमों के जाल में फंसाकर पेचीदा कर रही है, जैसे कि पोर्टल को सुपरफास्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा कंपोजिशन व रेगुलर व्यापारियों को रेगुलर सिस्टम में डालना, RCM पूरी तरह से समाप्त करने, रूल्स 36(4) GST, R2A में दिखने वाली IT सेक्टर क्लेम, 5% का प्रस्ताव वापस लेने, GST R3B में रिवीजन की सुविधाएं के साथ। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले आम बजट में इन समस्याओं को लेकर कई हल लगाया जाता है तो पूरे कपड़ा उद्योग के लिए यह एक तोहफे के समान होगा।